हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैंने मीशो से ये जो सोप बेस मंगाए थे, आज फाइनली मैं इनका यूज़ करने वाली हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से मंगा के रखी हुई थी, पर मैं इसका कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया है, तो मैं यहाँ पर सोप बेस को पहले कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि ये जो सोप बेस है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये बहुत ही इजीली कट हो रहा था। सो गाइस, कुछ इस प्रकार हमने छोटे छोटे पीसेस में सोप बेस को कट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, पहले मैंने इसे प्लास्टिक के बाउल में स्टीम के थ्रू मेल्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा जो बाउल है वो सॉफ्ट हो रहा है, इसलिए मैंने स्टील के बाउल में स्टीम के थ्रू इसे मेल्ट किया है। अब मैंने लिए हैं ये 4 बाउल्स, जिसमें हम ये सोप का जो थिक सा बैटर बन के तैयार हुआ है इसको हम इसमें डालेंगे। उसके बाद मैं इसमें कलर मिक्स करूँगी। आप अपने हिसाब से कलर ऐड कर सकते हैं, मतलब आप अपने पसंद से कलर ऐड कर सकते हैं इसमें। और गाइज, आपको ये बात ज़रूरी है जानना कि आप जो जब ये प्रोसेस करोगे तब बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जम रहा था, इसीलिए हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी इसको कर रहे थे। तो ये मेरा मिक्स हो गए हैं इसमें कलर सोप बेस में जो हमने मेल्ट किया था। अब हम इसे मोल्ड में डाल देते हैं, जो हमने मोल्ड ऑर्डर किया था आपको पता होगा। अब मैंने इसे हाफ एन आवर छोड़ दिया था, एंड ये बहुत ही अच्छे से रूम टेम्परेचर पे मैंने छोड़ा था इसे, एंड ये बहुत ही अच्छे से निकल गए थे। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने खुद अपने घर में सोप बनाया है। बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये चारों। आप अपने घर में इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका यूज़ है, बिल्कुल बाहर के सोप जैसी ये यूज़ होती है। बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये मुझे।